डिसाइड कर लिया तो कर लिया। मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूँ। जॉब तो मुझे अगले दिन चाहिए वही अमेरिका में। अरे अब तो अमेरिका जा रहा है, मैं आर्मी में अकेला क्या करूँगा। कुछ बनना था किसी की तरह। कमर के नीचे से पैरालाइज हो गए हैं। पर मैं कितना गलत था, भाग रहा था मैं खुद से। किसी ने कभी आपको सरनी चाटा मारा? उस चाटे को इश्क कहते हैं। मुझे पता तू वहां खड़ी है। कितनी फिल्मों का रीमेक कर चुके हैं आमिर। आमिर के रीमेक का इतिहास आखिर क्या कहता है? क्या लाल सिंह चड्ढा दोहराएगा इतिहास? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। आमिर खान इन दिनों लाल सिंह चड्ढा को लेकर चर्चा में है। साल 2018 के बाद अब उनकी कोई फिल्म रिलीज होने जा रही है। एक तरफ उनके फैंस एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ आमिर विवादों में भी घिरे हुए हैं। उनकी मूवी को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। जी हाँ, साल में एक ही फिल्म करने वाले और एक सीन में जान लगा देने वाले और हर काम को पूरी शिद्दत से खत्म करने वाले आमिर खान ने जितनी भी फिल्में की हैं, उनमें से ज्यादातर ओरिजिनल नहीं है। इनमें से कई हॉलीवुड की अनऑफिशियल हिंदी रीमेक है तो कुछ वहाँ की फिल्मों से इंस्पायर्ड भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, आमिर खान पर ये भी तोहमत लगती है कि वो एक्टर टॉम हैंक्स को खूब कॉपी करते हैं। जहां बॉलीवुड पर साउथ की फिल्मों को कॉपी करने के आरोप लगते आए हैं, वहीं बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की एक या दो नहीं बल्कि 12 फिल्में पूरी की पूरी हॉलीवुड की नकल है। लेकिन एक भी फिल्म फ्लॉप तो नहीं हुई है। इन फिल्मों के बारे में जानने से पहले हम आपको आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, जिसकी काफी आलोचना हो रही है। दरअसल आमिर खान की ये फिल्म भी हॉलीवुड मूवी फॉरेस्ट गम की हिंदी रीमेक है। फर्क इतना है कि इस बार ये बात ऑफिशियल बताई गई है। हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ तो लोगों ने आमिर को ताना मारना शुरू कर दिया। इसमें से कई ऐसे सीन्स हैं जहां आमिर को देखकर आपको पीके की याद आ ही जाएगी। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि इस फिल्म पर खर्चा करने की बजाय हॉलीवुड मूवी ही देख लो, क्योंकि वो मास्टरपीस है। अब फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर क्या हश्र होगा ये तो 11 अगस्त को ही पता चलेगा। इससे पहले हम आपको वो बताते हैं जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। तो आपको बता दें कि 90s के दशक में आमिर खान एक साल में कई फिल्में करते थे, लेकिन सन 2000 के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो साल में एक ही फिल्म करेंगे, लेकिन उसमें पूरी जान फूंक देंगे। ये फैसला आमिर के लिए सही भी रहा, क्योंकि उन्होंने गजनी, धूम थ्री, रंग दे बसंती, पीके, 3 इडियट्स और दंगल जैसी फिल्में दी। का मतलब ये है कि उनकी ज्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया और बहुत कम ही फ्लॉप हुई। लेकिन आमिर को आमिर खान बनाने का श्रेय बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड को जाता है, क्योंकि उनकी जो जीता वही सिकंदर से लेकर गजनी जैसे फिल्में हॉलीवुड फिल्मों की ही कॉपी है। पर उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आपकी होश उड़ा देगी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आमिर खान स्टारर 12 हॉलीवुड फिल्में और उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो सभी बड़ी हिट रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं के बारे में। आमिर खान के करियर को बनाने वाली फिल्म में से यह एक थी। इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था। ये हॉलीवुड मूवी ब्रेकिंग अवे से इंस्पायर्ड थी, जो 1979 में रिलीज हुई थी। इसके हिंदी रीमेक को मंसूर खान ने डायरेक्ट किया था और इसमें दीपक तिजोरी, आयशा जुल्का और पूजा बेदी जैसे स्टार्स थे। इस फिल्म ने 4 करोड़ 2 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। इसे महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इसमें आमिर खान के साथ उनकी बेटी पूजा भट्ट नजर आई थी। ये फिल्म 1934 की हॉलीवुड मूवी इट हैपेंड वन नाइट का अनऑफिशियली हिंदी रीमेक थी। अब बात कर लेते हैं फिल्म जो जीता वही सिकंदर के बारे में। आपको बता दें कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले को आमिर खान ने को-राइट किया था और फिल्म महेश भट्ट ने डायरेक्ट की थी। ये 1958 में रिलीज हॉलीवुड मूवी हाउस बोट का अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। इसमें जूही चावला थी और कुनाल खेमू बतौर चाइल्ड एक्टर नजर आए थे, जिसने 6 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। अब बात कर लेते हैं फिल्म बाजी की, जो 1995 में आई थी। फिल्म को आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था। ये हॉलीवुड की हिट मूवी डाई हार्ड से इंस्पायर्ड थी। इसमें ममता कुलकर्णी, परेश रावल, आशीष विद्यार्थी और मुकेश ऋषि नजर आए थे। इसने 5 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। अब बात कर लेते हैं फिल्म आतंक ही आतंक के बारे में, जो 1995 में रिलीज हुई थी। आपको बता दें कि 1972 में आई ग्रेट मूवी गॉडफादर का ये रीमेक थी। इसे दिलीप शंकर ने डायरेक्ट किया था और आमिर खान ने अल पचिनो के माइकल कालियोनी को से यह इंस्पायर्ड हुई थी और साथ ही इसमें रजनीकांत ने भी अहम भूमिका निभाई थी। इस फिल्म ने 4 करोड़ 28 लाख की कमाई की थी। अब बात कर लेते हैं फिल्म अकेले हम अकेले तुम के बारे में। ऐसा लगता है कि 1995 हॉलीवुड रीमेक का साल था। जी हाँ, आमिर खान की अकेले हम अकेले तुम 1979 की एकेडमी अवार्ड विनिंग मूवी क्रेमर वर्सेस क्रैमर की अनऑफिशियल हिंदी रीमेक थी। इसमें मनीषा कोइराला भी थी, जिसने 12 करोड़ के आसपास की कमाई की थी। अब बात कर लेते हैं फिल्म गुलाम की। इसमें आमिर खान की एक्टिंग को खूब सराहा गया था। इसमें रानी मुखर्जी और शरद सक्सेना ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म को मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था, जबकि विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट किया था। यह फिल्म 1998 में महेश भट्ट की फिल्म कब्जा की रीमेक थी, जिसमें संजय दत्त थे। 1954 में आई मार्लन ब्रांडो की फिल्म द वाटर फ्रंट फिल्म की कॉपी थी। इसने 7 करोड़ के बजट में 24 करोड़ का कलेक्शन किया था। अब बात कर लेते हैं फिल्म मन की, जो 1999 में आई थी। आमिर खान और मनीषा कोइराला की मन फिल्म को भी दर्शकों का बहुत प्यार मिला था। इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनिल कपूर भी थे। ये 1957 की हॉलीवुड मूवी एन अफेयर टू रिमेम्बर से हूबहू इंस्पायर्ड थी। इस फिल्म ने 34 करोड़ का बिजनेस किया था। अब बात कर लेते हैं फिल्म रंग दे बसंती के बारे में, जो 2006 में आई थी। रीमेक तो नहीं, लेकिन रंग दे बसंती का बेसिक प्लॉट, जहां स्टूडेंट्स का ग्रुप प्ले डॉक्यूमेंट्री प्ले करता है, उसे देखकर आपको 1989 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म जजेस ऑफ मॉन्ट्रियल की याद आ जाएगी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की इंस्पिरेशन 1948 में आई फिल्म ऑल माई सन से भी ली गई है। इस फिल्म ने 96 करोड़ का कलेक्शन किया। बात कर लेते हैं फिल्म फना की, जो 2006 में आई थी, जो उस साल की सुपरहिट फिल्म रही थी। इसमें काजोल भी थी। इसका सेकेंड हाफ 1981 में आई फिल्म आई ऑफ द नीडेड और 1999 में कोरियन मूवी शीरी से मिलता जुलता है, जिसने 30 करोड़ के बजट में 105 करोड़ का बिजनेस किया। अब बात कर लेते हैं फिल्म गजनी के बारे में, जो आई थी सन 2008। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इसने करोड़ों की कमाई की थी। फिल्म में आसिन, जिया खान और प्रदीप रावत जैसे स्टार्स थे। ये इसी नाम से रिलीज हुई तमिल मूवी की हिंदी रीमेक थी, जो क्रिस्टोफर नोलान की मेमेंटो से इंस्पायर्ड थी, जिसने 189 करोड़ का बिजनेस किया। अब बात कर लेते हैं फिल्म धूम 3 की, जो सन 2013 में आई थी। धूम फ्रेंचाइजी की तीसरी मूवी भी क्रिस्टोफर नोलान की साल 2006 में रिलीज हुई मूवी द प्रेस्टीज से पूरी तरह इंस्पायर्ड थी। इसने 550 करोड़ का बिजनेस किया था। अब तक जब भी आमिर ने किसी भी हॉलीवुड फिल्म के रीमेक में काम किया है, तो वो हमेशा हिट ही हुई है। तो लगता है रीमेक्स आमिर को सूट करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह टोटका लाल सिंह चड्ढा में भी चल पाएगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।